بسم الله الرحمن الرحيم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. Assalamu alaikum, my social media family, and welcome to online learning session 2020 presented by Al Azeez CCLT. Our today's subject is mathematics. It's unit number 6, algebraic sentences, exercise number 6.4. Its topic is equations, solution of equations involving the absolute value. It's lecture number 20E. Find the solution set of the following equations. ये देखिए equation दी हुई है x minus 7 upon 3. ये दो जो है vertical lines लगी हुई है is equal to 2. इन दो vertical lines को modulus कहा जाता है. क्या कहा जाता है इनको? Modulus. सही? वैसे ये नेक्स्ट जो है वो हमारा जो मैट्रिसेस का यूनिट है उसके अंदर इन दो वर्टिकल लाइंस को जो है वो डिटरमिनेंट कहा जाएगा. अभी यहाँ पर मॉड्यूलस कहा जा रहा है. ठीक है, तो सॉल्यूशन हम लिखेंगे. इसका भी सेम जो है मॉड्यूलस का भी जो है वो सेम फंक्शन वही है जैसा जो है वो स्क्वायर रूट का होता है. ठीक है, तो स्क्वायर रूट की तरह ही ये वर्क करता है. जब तक ये लगा हुआ है इसके अंदर से वैल्यूज जो है वो इधर नहीं जा सकती. ठीक है, और इसके अंदर होने की वजह से इस मॉड्यूलस के अंदर वैल्यूज होने की वजह से इसको जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू कहा जाता है. सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन विद एब्सोल्यूट वैल्यूज. ठीक है, जब ये हटेंगे, ठीक है, तो इनकी भी एक प्रॉपर्टी है जिस तरह से जो है वो रूट की. ठीक है, तो ये उस वक्त तक नहीं खुल सकते जब तक इसके इर्द गिर्द वैल्यूज हो. ठीक है, जब सिर्फ अकेला जो है ये मॉड्यूलस रहेगा उसके अंदर जितनी मर्जी वैल्यू हो कोई प्रॉब्लम नहीं है. बाहर इसके वैल्यूज नहीं होनी चाहिए. अगर बाहर वैल्यूज हैं तो प्रॉब्लम है. अगर जो है वो इसके अंदर सिर्फ वैल्यूज हैं और बाहर कोई वैल्यू नहीं है तो ये आराम से खुल जाएगा. और इसकी जो है वो प्रॉपर्टी ये है, मॉड्यूलस जब खुलता है तो यहाँ जो वैल्यूज होती हैं, ठीक है, उन वैल्यूज के आगे जो है वैल्यू के आगे बल्कि यहाँ पर भी अगर यहाँ वैल्यूज होंगी उनको यहाँ लेके जाया जाएगा. जो भी प्लस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड होगा वो किया जाएगा, एक सिंगल वैल्यू बचेगी. तो मॉड्यूलस हटाकर उस वैल्यू के सिंगल वैल्यू के आगे जो प्लस माइनस का साइन लगा देंगे. फिर हम आइदर और करेंगे. आइदर और से मतलब यह है कि x माइनस 7 अपॉन 3 इज इक्वल टू प्लस का 2 और x माइनस 7 अपॉन 3 इज इक्वल टू माइनस का 2, क्योंकि ये दो साइंस लगे हुए सिर्फ दो मरतबा उतारा जाएगा. ये दो डेफिनेशन है इसकी, समझ लेंगे, एक प्लस की डेफिनेशन एक माइनस की. आइदर और करेंगे, इसको उतार देंगे. ठीक है, ये उतार दिया. इसके बाद जो है वो सेम जो इक्वेशन के साथ मजीद काम करना होता है वो ऑपरेशन आप पूरा मुकम्मल करेंगे. और ये 3 जो है वो डिवाइड कर रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई करने आ जाएगा, 2 3 से 6 हो जाएगा. सेम यही काम यहाँ पर करना है, 3 जो है डिवाइड कर रहा है यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा. बट ये माइनस का 2 है तो ये 2 3 से माइनस का 6 होगा और ये 2 3 से 6 होगा. सेम काम चल रहा है यहाँ पर. ठीक है, माइनस का 7 यहाँ के प्लस का 7, तो प्लस के 6 और 7 जो है वो 13 हो गए. तो ये x का आगे का आंसर आ गया. इसी तरह माइनस का 7 यहाँ के प्लस का 7, लेकिन अब ये माइनस होंगे, प्लस का 7 बढ़ा तो प्लस के 1 बच जाएंगे. इस तरह से ये x जो है वो हमारी वैल्यू आ जाएगी. हेंस सॉल्यूशन सेट इस तरह से जो है वो इक्वल का साइन देंगे, कर्व ब्रैकेट देंगे और ये दो वैल्यूज जो है इनको लिख देंगे कॉमा के साथ. तो यकीनन जो है ये सवाल समझ में आ गया होगा और बिल्कुल विजिबल भी आपको दिखाई भी सही दे रहा होगा. इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 1996 में आया था और ये 2004 2006 2007 के अंदर आया है. अच्छा, यहाँ देखिए ये मॉड्यूलस यहाँ तक है, ये वैल्यू और ये वैल्यू जो है वो मॉड्यूलस जो है वो
ये मॉडुलस से जो है वो अलग है। तो इसका मतलब है पहले जो है उसको सॉल्व सॉल्यूशन लिख के इनको सॉल्व करेंगे। ये माइनस का 2 वहां जाएगा तो ये प्लस का 2 हो जाएगा, 8 और 2 जो है वो 10 हो जाएंगे। फिर ये 3 डिवाइड कर रहा है यहाँ के, मल्टीप्लाई करेगा, 10 3 30 हो जाएगा, सिंगल वैल्यू बची है। अब मॉडुलस को जो है वो हटा देंगे, इनकी जरूरत नहीं है, यहाँ सिंगल वैल्यू बची है। मॉडुलस के इर्द गिर्द भी कोई वैल्यू नहीं है, सारी वैल्यूज उधर ले जाकर हमने उनका जो कंसर्न ऑपरेशन है वो कर दिया है। ठीक है, मॉडुलस हटाया, यहाँ प्लस माइनस का साइन लगाया है, ठीक है, प्लस माइनस 30 हो गया। आइदर और लिखेंगे 2x + 3 = + 30 एंड 2x + 3 = - 30, सेम उसी सवाल की तरह। ठीक है, इसके बाद जो है 2x + 3 यहाँ के माइनस का 3, 30 में से 3 जाएगा, 27 बचेगा, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 डिवाइड में चला जाएगा। ठीक है, और x = इसको जो है ऊपर बड़ा है ये, ठीक है, न्यूमिनेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 13 26 और प्लस 1 27 होता है, तो ये मैंने वर्बली डिवाइड कर दिया, तो 13 होल नंबर 1/2। सेम इसी तरह से यहाँ पर जो किया था हमने, यहाँ पर प्लस का 3 है, यहाँ के माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस के 3 माइनस के 30 के अंदर ऐड होके माइनस के 33 हो जाएंगे, माइनस के 33 को ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर रहा है एक्स के साथ, यहाँ के डिवाइड कर देगा। जब ये डिवाइड करेगा तो ये 16 होल 1/2 आएगा, और इस तरह हैंड सॉल्यूशन साइड लिखकर हम इनको उतार देंगे यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स यकीनन जो है वो ये सवाल आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो एक और जो है वो टेक्निक, एक और जो है अहम सवाल, एक और अहम पॉइंट, उसकी तरफ चलते हैं और अगला सवाल जो है वो देख। जी तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये है क्वेश्चन नंबर 9 बुक का, एक्सरसाइज 6.4 का, और इसका सोल्यूशन देख लीजिए। ये 3x - 4+8 = 3/4, जाहिर सी बात है जो मॉडुलस के अंदर वैल्यूज हैं वो तो कहीं नहीं जा सकती, हाँ इसके इर्द गिर्द वाली जो वैल्यूज हैं उनको वहां ले जाना पड़ेगा। ये प्लस का 8 है, वहां जाकर माइनस का 8 हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है ये 3/4 है, ये माइनस 8 है, ये इसमें ऐसे ऐड नहीं हो सकता, ये एलसीएम के थ्रू ऐड होगा, तो एलसीएम के थ्रू इसको ऐड करते हैं। तो 8 के नीचे हम 1 लगा लेते हैं, ठीक है, 4 1 4 आ जाएगा। ठीक है, 4 को 4 से डिवाइड करेंगे 1 बनेगा, तो 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 1 3 3, 4 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 4 ही आएगा, तो 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से, तो 8 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं 32 आता है। माइनस का साइन ऐसे उतर जाएगा, माइनस के 32 प्लस के 3 माइनस के 29 और अपॉन 4 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर ये माइनस का साइन है, ठीक है, तो ये मॉडुलस नहीं हटा सकते हम, मॉडुलस हटाना पॉसिबल नहीं है। अगर मॉडुलस हम हटाएंगे तो यहाँ प्लस माइनस का साइन कैसे लगाएंगे। ठीक है, तो इसी वजह से जो है इसका हेंस सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू एम्प्टी सेट, ये आगे सॉल्व नहीं होगा, ये ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट समझाना जो है वो बहुत जरूरी था। सेम इसी तरह से जो मैंने पिछले एक्सरसाइज 6.3 और लेक्चर नंबर जो 20E था हमारा, उसके अंदर मैंने आप लोगों को समझाया था। ठीक है, वहां पर भी जब माइनस की वैल्यू बन रही थी, बच रही थी, तो उसको सॉल्व नहीं कर रहे थे और हम उसको ऐसे ही छोड़ रहे थे। सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू एम्प्टी, एम्प्टी सेट जो है उसका आंसर होगा। इसी तरह से इसका भी आंसर एम्प्टी होगा। वैसे तो जो क्वेश्चंस हैं जिस तरह से करने हैं वो सब मैंने आप लोगों को करवा दिए, समझा दिए। ठीक है, इसके जो मजीद जो क्वेश्चंस हैं उसके लिए मैं आपको जो है वो बुक के अंदर लिए चलता हूँ, और आपको जो उनका सोल्यूशन है उसके लिए जो है वो कॉपी के अंदर लिए चलता हूँ, तो वहाँ चलते हैं और उसकी मजीद जो है वो प्रैक्टिस करते हैं, उनको समझते हैं। जी तो स्टूडेंट्स ये देख लीजिए, एक्सरसाइज 6.4 आप लोगों के जो है वो सामने है, और मैं इसके पास पेपर्स के जो क्वेश्चन है वो आपको बता देता हूँ। ये देखिए 1996 में ये क्वेश्चन आया, ये मैं आप लोगों को करवा चुका हूँ। फिर 1997 में आया है ये वाला, 1998 के अंदर ये आया है, ठीक है, और 1999 में ये वाला आया है, 2000 और 2002 में ये वाला आया है, और 2004, 2006, 2007 में ये वाला है, और ये मैं करवा चुका हूँ आप लोगों को। 2001 और 2003 में ये जो एग्जांपल लिखी हुई ये वाली, और ये सॉल्व हुई हुई ये वाली आई, तो ये एग्जांपल भी आप उठा लीजिए। 2011 में जो है वो ये वाला आया है, 2009 में ये, 2008 में ये है, 2015 में ये है। इसके अलावा ये क्वेश्चन नंबर 9 भी मैंने आप लोगों को करवाया है। ठीक है, तो ये तो थे पास पेपर के क्वेश्चंस। ठीक है, इनको भी जो है वो आप कोशिश कीजिए किए कि इनकी प्रैक्टिस के तौर पे जो है इन सवालों को जो है वो सॉल्व कीजिए।
और बाकी जो है वो इनका जो सोल्यूशन है जो मेरे पास अवेलेबल है वो मैं आपको लोगों को जो है ना उसके लिए भी जो है वो कॉपी के अंदर लिए चलता हूँ। हेयर इज ऑन योर स्क्रीन एक्सरसाइज नंबर 6.4 क्वेश्चन नंबर 1। ये देखिए 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 5 लिखा हुआ है। ये पैरेलल जो लाइंस खड़ी हुई हैं इनको मॉड्यूलस कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? इनको कहा जाता है ठीक है। इनकी प्रॉपर्टी है कि जब इनको हटाया जाता है तो यहाँ जो वैल्यू होती है उसके साथ प्लस माइनस का साइन लग जाता है, जैसे कि यहाँ लगा हुआ है ठीक है। इसके बाद हम आइदर और करके एक मतलब इस वैल्यू को 2x प्लस 3 लिखेंगे प्लस 5 लिखेंगे और एक मतलब 2x प्लस 3 इज इक्वल टू माइनस का 5 लिख देंगे, क्योंकि ये दो वैल्यूज इसके साथ दो साइंस है, मीनिंग ये दो वैल्यूज लिखी हुई है यानी प्लस का 5 एंड प्लस का माइनस का 5। प्लस का 5 लिखेंगे माइनस का 5 लिखेंगे। इसके बाद 2x प्लस 3 प्लस 3 जो है वो इक्वल के उधर जाकर माइनस 3 हो जाएगा, 5 में से 3 जाएंगे 2 बचेंगे। x के साथ 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 डिवाइड करने आ जाएगा, इस 2 को ये 2 डिवाइड कर देगा, 2 वन ज़ा 2, 2 वन ज़ा 2 हो जाएगा, तो 1 आ जाएगा, 1 अपॉन 1 मीनिंग 1। इसी तरह से यहाँ पर भी होगा, ये प्लस का 3 है, यहाँ के माइनस का 3 हो जाएगा और यहाँ ऑलरेडी माइनस का 5 है, तो माइनस के 5 ऐड हो जाएंगे, सेम साइंस हमेशा ऐड होते हैं, तो माइनस के 8 हो जाएंगे। प्लस का 2 जो है मल्टीप्लाई कर रहे हैं, आके डिवाइड करेगा, 2 वन ज़ा 2, 2 फोर ज़ा 8, 4 आ जाएगा और माइनस का साइन ऐसे ही आ जाएगा ठीक है। सो हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट इज इक्वल टू, ब्रैकेट बनाएंगे इस तरह से, 1 और माइनस 4 हम शो कर देंगे, क्योंकि 1 आया और माइनस 4 आया, इसके मतलब आइदर और का मतलब या तो ये या फिर ये। हियर इज अनदर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन स्टूडेंट्स, 2a माइनस 3, ये मॉड्यूलस लगा हुआ इज इक्वल टू 7, सेम वही पहले वाले क्वेश्चन की तरह होगा, प्लस माइनस का साइन लगेगा, आइदर करेंगे और करेंगे, और इसी तरह इसको यहाँ पर प्लस में लिख देंगे और यहाँ माइनस में लिख देंगे 7 को, माइनस का 3 यहाँ के प्लस का 3 10 हो जाएगा, 2 जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ के डिवाइड करेगा 5 आ जाएगा, इसी तरह से जो है वो माइनस का 7 है, ये माइनस का 3 यहाँ के प्लस का 3 हो जाएगा, तो माइनस के 7 में से 3 निकालना पड़ेगा, तो माइनस 4 बचेगा, 2 जो है वो मल्टीप्लाई कर रहे हैं यहाँ डिवाइड करेगा आके, यहाँ ये बच जाएगा 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, माइनस का साइन ऐसे, और 5 और माइनस 2 जो है वो इसका आंसर आ जाएगा जो सवाल है इसका ठीक है। स्टूडेंट्स अगला सवाल देखिए, 2x माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस का 2 है वहाँ जाके प्लस का 2 हो जाएगा, पहले उसको सॉल्व करना पड़ेगा। अब इस मॉडुलस को हटाएंगे ठीक है, क्योंकि ये मॉडुलस डायरेक्ट नहीं हटा सकते, यहाँ सारी वैल्यूज जिसके इर्द गिर्द होते हैं उनको लेके जाना पड़ता है, पहले यहाँ ले जाएंगे, जैसे ये मॉडुलस हटाएंगे यहाँ प्लस माइनस का साइन लगेगा और 2x माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू प्लस 2 एंड माइनस 2 ठीक है। यहाँ 3 डिवाइड कर रहा है, यहाँ मल्टीप्लाई करेगा, 3 टू द 6 हो जाएगा, माइनस का 1 यहाँ के प्लस का 1 हो जाएगा, 6 और 1 7 हो जाएंगे, 2 जो है वो मल्टीप्लाई कर रहा है x के साथ, यहाँ के डिवाइड करेगा x के साथ, 7 अपॉन 2 हो जाएगा। इसी तरह से जो है यहाँ देख लीजिए 3 डिवाइड कर रहा है, 3 मल्टीप्लाई करेगा, 3 टू द 6 हो जाएगा माइनस का, यहाँ माइनस का 1 है, यहाँ प्लस का 1 हो जाएगा, माइनस के 6 में से 1 जाएगा, माइनस का 5 बचेगा, 2 मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 डिवाइड में आ जाएगा, माइनस का साइन ऐसे साथ में उतार देंगे, इस तरह 7 अपॉन 2 और माइनस 5 अपॉन 2 जो है वो सॉल्यूशन सेट आ जाएगा ठीक है। अनदर क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन स्टूडेंट्स, 8x प्लस 5 अपॉन 2 माइनस 1, सेम पहले वाले की तरह होगा, माइनस का 1 है वहाँ जाके प्लस का 1 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएंगे, मॉडुलस हटाएंगे, यहाँ प्लस माइनस का साइन लगेगा, आइदर और लिखेंगे, 8x प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू प्लस का 4, 8x प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस का 4 ठीक है। 8x प्लस 5 इज इक्वल टू
फोर यहाँ पर है, यही रहेगा। ये टू यहाँ से डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेगा, 4 2 8 हो जाएगा। और इस तरह से 8x इज इक्वल टू 8, ये प्लस का है, यहाँ पर माइनस का 5 हो जाएगा। 8x यहीं ऐसे ही उतारेंगे, 8 में से 5 जाएंगे, 3 बचेंगे, 8 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड में आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर होगा 8x प्लस 5, 2 डिवाइड कर रहे, 2 मल्टीप्लाई कर रहे, 4 2 8 माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का 5 है, यहाँ के माइनस का 5 हो जाएगा। दोनों को ऐड करना पड़ेगा क्योंकि सेम साइन से माइनस 13, 8 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1 यहाँ की डिवाइड करेगा, माइनस 13 अपॉन 8 जो है वो इसी तरह से लिख देंगे। इस तरह से हमारे पास सोल्यूशन सेट जो है वो बराबर है 3 अपॉन 8, ठीक है, और माइनस का जो है वो 13 अपॉन 8, ठीक है सर। और क्वेश्चन है -6 प्लस मॉडुलस 5x माइनस 3 इज इक्वल टू 3, ये माइनस का 6 है, ये यहाँ के प्लस का 3 6 हो जाएगा, 6 और 3 9 हो जाएंगे। साथ ही मॉडुलस भी खोल दूंगा मैं, प्लस माइनस का साइन लगेगा इनके साथ, आइदर लिखूंगा और लिखूंगा। एक मतलब प्लस में 5x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस 5 9, 5x माइनस 3 इज इक्वल टू माइनस का 9 लिख दूंगा। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये माइनस का 3 है, यहाँ जाके प्लस का 3 हो जाएगा, 9 और 3 12 होता है, 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, 5 यहाँ के डिवाइड करेगा, 12 अपॉन 5 हो जाएगा। इसी तरह से माइनस का 3 यानी कि प्लस का 3, 9 में से 3 निकालना पड़ेंगे, माइनस के 6 बचेंगे, 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, 5 डिवाइड करेगा, 6 अपॉन 5 माइनस का, तो ये आंसर सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू 12 अपॉन 5 माइनस 6 अपॉन 5, ठीक है स्टूडेंट्स। उम्मीद है ये जो वीडियो है वो आपको समझ में आ गई होगी, इसकी मदद से आप अपना जो है वो काम मुकम्मल कर सकते हैं और समझ सकते हैं, बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। बार बार प्रैक्टिस कीजिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।